मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ के 26 अगस्त को होने वाले चुनाव के तहत बुधवार को विश्वविद्यालय अतिथि गृह सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत केंद्रीय छात्र संघ के सभी प्रत्याशियों को विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में कुल 4 प्रत्याशी ही अपनी बात रखने के लिए सभागार में पहुँचे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देव सोनी, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी कांतिलाल मैडा, शोध प्रतिनिधि पद के लिए उम्मीदवार राजू राम पूनिया एवं अनुभव बरवर ने विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बात रखी। विश्वविद्यालय में सकारात्मक बदलाव करने संबंधित अपने वादे किए एवं विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार छोगाराम देवासी ने लिंगधो कमेटी की सिफारिशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शूरवीर सिंह भाणावत ने बैलेट पेपर पर वोट डालने की प्रक्रिया एवं तरीके को समझाया। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर बीएल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसी कारण कहीं पोस्टर बैनर अवांछित प्रचार सामग्री नहीं दिखाई पड़ रही है। छात्र संवाद कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुंजन आचार्य ने किया। इस अवसर पर प्रो एम के जैन, डॉक्टर शिल्पा वर्डिया, डॉक्टर शिल्पा सेठ, डॉक्टर अविनाश पवार, डॉक्टर राजकुमार व्यास, डॉक्टर कीर्ति खुर्दिया, डॉक्टर राजू सिंह, डॉक्टर भीमराज पटेल उपस्थित थे। परिचय पत्र ही होगा मतदान का अधिकार। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शूरवीर सिंह भाणावत ने बताया कि मतदान के लिए परिचय पत्र ही आधार होगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक परिचय पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, वह गुरुवार दोपहर 3 बजे तक अपने परिचय पत्र प्राप्त कर लें। उसके बाद किसी को परिचय पत्र नहीं दिए जाएंगे। मतदान दिवस 26 अगस्त एवं मतगणना दिवस 27 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।